नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 15 है। दोस्तों, आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी पार्टों को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपए में बेचने से, ठीक है, 355 रुपए में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न यह है कि 425 रुपए, यानी कि दोस्तों हम इसे एक रुपए में बेचने पे, देखिएगा, एक रुपए में बेचने पे जितना लाभ होता है, यानी उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 यानी कि वाई रुपए में बेचने से हानि होती है। देखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों, एक्स वाई की जगह पे यानी कुछ भी अंक दे दे, यानी कितना हो रुपए दे दे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जब क्रय मूल्य पूछे तो क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक्स प्लस वाई बाय टू, उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी बीच वाला मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, 425, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, 425, और प्लस y की जगह कितना है दोस्तों, 355, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। 425 और 355 को आप क्या करिए दोस्तों, जोड़िए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4380 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 780 बटा 2, 780 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 390 हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, 390 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, यहां पे भी मैं आपको और समझा रहा हूं, फुल डिटेल पे मैं समझा रहा हूं, समझिएगा, क्या होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, 390 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। अब समझिए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया है दोस्तों, 390 आया है, तो हम 425 में उसे बेचेंगे तो कितना रुपए का लाभ होगा दोस्तों, आप 390 को हटा लेंगे 425 में से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 रुपए का लाभ होगा, ठीक है, यानी 35 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 355 में अगर जो हम इसे बेचेंगे तो हानि कितने रुपए का होगा दोस्तों, अगर क्रय मूल्य इतना है तो 390 में से क्या करेंगे, 355 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। तो यहां पर देखिए, उतना ही लाभ हो रहा है ना जितनी उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, यानी कि देखिएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 390 रुपए होगा, 425 में बेचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 35 रुपए का लाभ होगा, और 355 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 35 रुपए की हानि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, x plus y by 2 डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों, लास्ट वाले क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर लीजिएगा, ठीक है, टेस्ट के तौर पर लीजिएगा, और उसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीका, इसे भी बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं, ठीक है, यानी क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं, समूह में कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन समझिए, 7 दलों का एक समूह, यानी 7 लोग हैं मैच खेलने में, ठीक है, एक तरफ कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और प्रत्येक दल क्या कर रहे हैं दोस्तों, 7 लोग हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे से 2 बार मैच खेलते हैं, ठीक है, तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी पार्टी में 10 लोग हैं, हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएंगी, ठीक है, इस टाइप के भी स्टूडेंट ज्यादा कमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब ऐसे क्वेश्चन आए, कितने बार खेलते हैं दोस्तों, ये 2 बार खेलते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। देखिए फॉर्मूला होता है n * n - 1 / 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको नहीं रटना है। देखिए बस आपको n की जगह कितना रखना है दोस्तों, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 7, अब n हो गया, * हो गया, n - 1 मतलब 7 में से एक कम कर लेंगे, 7 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2। अगर जो दोस्तों ये मैच एक बार खेलेंगे हम, उसके लिए निकाल ले, ठीक है, 2 बार के लिए अभी नहीं निकाल ले, एक बार अगर जो ये खेलें तब, तो ये 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 2 × 3 = 6, यानी कि 7 * 3 = 21, कितने बार ये मैच खेलेंगे दोस्तों, अगर एक बार खेलेंगे तो क्या होगा दोस्तों,
21 हो, 21 बार हो जाएगा, ठीक है। कितने बार समूह में मैच खेले जाएंगे दोस्तों, कितने मैच खेले जाएंगे, 21 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। ये एक बार का आया, और इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दो, तो 21 में क्या करेंगे दोस्तों, गुणे दो कर लेंगे, ठीक है। तो 21 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। तो ये क्या आया दोस्तों, कितने मैच खेले जाएंगे, इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 42। अगर जो यही पूछे तीन बार खेलते हैं तब क्या होगा दोस्तों, 21 गुणे तीन कर लेंगे, 10 बार बोले तो क्या करेंगे, 21 गुणे 10 कर लेंगे। ये चीज समझिएगा दोस्तों, यही चीज आपको बस समझना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसको बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 42 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। देखिए आपको करना क्या है, यहां पे जो संख्या दी रहे दोस्तों, यहां पे 7 दल दिया ना, तो इसको करेंगे 7 और 7 में से एक कम कर लेंगे, कितना होगा 6, और बटा क्या करेंगे 2। देखिएगा बस इतना ही करना है, तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो 7 तरीके क्या होगा दोस्तों, 21 होगा, ठीक है। यानी कि 21 मैच खेले जाएंगे, अगर ये एक बार खेले तो, ये दो बार पूछ रहा है, तो 21 गुणे क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो टोटल मैच खेले कितने बार खेले जाएंगे दोस्तों, कितने मैच खेले जाएंगे, 42 खेले जाएंगे। और देखिए 42 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों इसी टाइप पे क्वेश्चन एक आता है, 10 लोग एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक एक बार हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथें मिलाई जाएंगी। अगर जो यहां पे रहे दोस्तों 10 लोग कह दे, अगर जो एक पार्टी में है और एक एक बार हाथ मिला रहे, कितने बार, एक एक बार एक दूसरे के साथ मिला रहे, तो कुल कितनी बार हाथें मिलाई जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, n into n minus 1 वही होता है, यानी कि 10 गुणे 10 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9, और बटा में क्या होगा 2। 2 से यह 10 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 9 45। उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर जो 10 लोगों की कहेगा तो यह 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 बार हाथ मिलाई जाएंगी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिएगा ओरल इस प्रश्न का आंसर होता है, यहां पे जो संख्या दी रहे उसको लिखेंगे, उसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक है। 7 है तो 7 में से एक कम कर लेंगे, 6 बटा 2, ठीक है। तो इसको कटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 7 तरीके 21 बार, और यहां पे कितनी बार कह रहा है दोस्तों, 2 बार, तो हम 21 में 2 से गुणा कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, इसको भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको करना क्या है, समझना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 यानी कि 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या पूछ रहा है इसमें, मोरों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न समझिए दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, यहां पे जैसे मोर दिया है, ठीक है, मोर का मतलब दो पैर, चीता का मतलब चार पैर, और सिर कितने होंगे दोस्तों, दोनों के एक ही, एक एक ही सिर होते हैं, बस ये चीज समझना है। मोर की जगह दोस्तों आपको कोई भी पक्षी दे सकता है, और चीता की जगह कोई भी पशु दे सकता है, गाय बकरी कुछ भी दे, ठीक है। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब ऐसे क्वेश्चन आए, तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, वो होता है एल बाई टू माइनस एच, समझिएगा, एल मतलब पैरों की संख्या बटा दो, माइनस एच मतलब हेड, सिरों की संख्या, ठीक है, बस यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पैरों की संख्या क्या दिया दोस्तों, 1160 दिया, तो 1160 लिख लेंगे, बटा क्या करेंगे, दो, माइनस क्या करेंगे, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 400 है, ठीक है, बस इसको क्या करना है, आपको कटाना है। तो 2 से 1160 को कटाएंगे, देखिएगा 2 से 1160 कटाएंगे, 2 5 10, 2 8 16, ये 0, 580, 580 में से 400 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, 180 होगा। ये क्या आया है दोस्तों, देखिएगा ये जो आता है ना, ये चार पैरों वालों की संख्या आता है, जब एल बाई टू माइनस एच करेंगे, ये क्या आता है, चार पैरों वालों की संख्या आता है, ठीक है। तो चार पैरों वालों की संख्या, यानी कि ये क्या आया है दोस्तों, चीता की संख्या है, टोटल चीते कितने हैं, 180 है, लेकिन पूछ क्या रहा है दोस्तों, मोरों की संख्या पूछ रहा है। जब मोरों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, सिरों की जो संख्या होती है, टोटल सिरों यानी कि मोर और चीता उतना ही है, 400 ही है, ठीक है। तो 400 में से 180 को घटाएंगे, 400 में से 180 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, 220 होगा। ये क्या आया दोस्तों, ये जब हम देखिए मोर और चीता है, मोर और चीता में से क्या किया, चीतों की संख्या घटा लिए तो क्या आ गया दोस्तों, मोरों की संख्या गया, तो मोरों की संख्या कितनी होगी, 220 होगी। अब 220 देखिए किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, बस आपको पैरों की संख्या को आधा करना है, उसके बाद से सिरों की संख्या घटा देना है, वो जो आएगा वो चार पैरों वाली का आ जाएगा, और चार पैरों वाली की संख्या
पूछे तो ईजी है, अब उसके बाद क्या करना है, नहीं पूछ रहे दो पैरों वालों की पूछ रहे हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे जो आया है उसमें से क्या करेंगे दोस्तों, उनके सिरों की संख्या में से वो संख्या घटा देंगे, यानी चार पैरों वाली की संख्या घटा देंगे तो दो पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए, और जो नए दोस्त हैं वो हमसे जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है, यदि ए बराबर 16 तथा बी बराबर 5 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बराबर है। दोस्तों जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो ज्यादातर स्टूडेंट को देखते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं ए बराबर 16 है तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर देते हैं, बी बराबर 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर, फिर 16 गुणे 5, फिर 16 का क्यू करते हैं, माइनस 5 का क्यू करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। ऐसे सोल्व करेंगे 4 से 5 मिनट लगेगा दोस्तों, और प्रश्न का आंसर देने में आपको काफी टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा आपका एक दो प्रश्न छूट भी सकता है, लेकिन प्रश्न को ऐसे सोल्व नहीं किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको फार्मूला पे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। देखिए ये प्रश्न जो है आपका, देखिए यहां पे जो दिया है दोस्तों aq माइनस bq, इसका हम फार्मूला रखेंगे। aq माइनस bq को फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस ए बी होता है, ये होता है माइनस ए बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूला याद करिएगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है देखिएगा, अब जब फॉर्मूला पर रख देते हैं तो ये क्या होता है, इसमें कटने वाला भी होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाला क्या होगा दोस्तों, एक बार में कैंसिल होगा, कितने बार में, एक बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बार में कैंसिल हो गया, फिर क्या लिखेंगे, एक बटा बचा क्या है a माइनस बी, यही तो बचा है ना। अब क्या करेंगे, एक है तो एक ही लिख देंगे, a की जगह क्या है दोस्तों, a की जगह देखिए 16 है और b की जगह क्या है 5, तो 16 में से 5 घटा देंगे, 16 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 16 में से 5 जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1/11 हो जाएगा, 1/11 होगा। अब देखिए 1/11 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। देखिए दोस्तों ये आपका आज का प्रश्न है और इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और आपको दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर मैथ का 14 देख लेंगे, 14 का ये तीसरा क्वेश्चन है और उसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। जिनको इसका आंसर पता होगा वो कमेंट करके बताएंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, पार्ट नंबर 14 देख लेंगे। एक चीज और दोस्तों आपसे बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इसको आप लेंगे कहां से दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, आपको बहुत ही लाभ इससे मिलेगी। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर दोस्तों कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, यानी पूछे जाते हैं। और एक चीज और बता दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।